हेलो दोस्तों, पंकज कुमार एट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ सेप्टम 10 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपने भी फॉर्म भरा था। अगर आपने वो तैयारी करनी है, आपको अपनी ट्रेड टेस्ट के लिए कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके ट्रेड टेस्ट के लिए आपकी एक बेस्ट प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। ये मेरी सेकंड क्लास है। अगर आपने इससे पहली क्लास नहीं देखी है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप मल्टीपल क्वेश्चन है जिसमें हम आज मेटल, नॉन मेटल और एलॉय के बारे में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, बेसिकली सभी जानते हैं, लेकिन हम इनके क्वेश्चंस को अभी नहीं लगा पाते हैं। तो मैं ये टॉपिक वाइज मल्टीपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आपको थोड़ा समय मिलेगा, आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को देखते रहना, मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल एंड अलॉय के काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं को मैंने बार बार कवर की देखा है, कवर किया है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वे हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रांज बनता है। दोस्तों, जो ब्रांज होता है, ब्रांज जो किससे बनता है, तो वह कॉपर व टिन से बनता है। दोस्तों, कॉपर और टिन का जो मिश्रण होता है, जो एलॉय होता है, मिश्र धातु होती है, वह कॉपर व टिन से मिलकर बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रांज किससे बनता है, कॉपर व टिन से बनता है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास निम्न में से क्या है। तो दोस्तों, जो ब्रास होता है, आपको ध्यान रखना है, ब्रांज अलग होता है, ब्रास अलग होता है। तो दोस्तों, हम अभी ब्रास की बात कर रहे हैं। ब्रास क्या होता है, तो वह नॉन फेरस अलॉय होता है। नॉन फेरस दोस्तों, फेरस किसे बोला जाता है, जिसमें दोस्तों आयरन, आयरन का जो लोहा है, आयरन का दोस्तों साइंटिफिक लैंग्वेज में फेरस बोला जाता है। तो नॉन फेरस अलॉय ब्रास होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम स्टील है। दोस्तों, जो क्रोमियम होती है वह कौन सी स्टील होती है, तो क्रोमियम हमारी फेरस एलॉय होती है। जो मिश्र धातु है क्रोमियम, इसमें फेरस निकलता है और यह फेरस एलॉय कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से ब्रास बनता है। दोस्तों, जो मैंने अभी बात करा था, ब्रास क्या है, नॉन फेरस मेटल है, अब वह किससे बनता है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो ब्रास होता है वह कॉपर और जिंक से बनता है। कॉपर और जिंक उसमें पाया जाता है, कॉपर और जिंक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस ब्रांज मिश्रण क्या होता है। दोस्तों, अभी मैं ब्रांज की बात कर रहा हूँ, ब्रास की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रांज की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो फास्फोरस ब्रांज होता है, उसमें क्या पाया जाता है, ब्रांज और फास्फोरस, उसमें ब्रांज और फास्फोरस पाया जाता है। इसके नाम से भी आप पता लगा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नॉन फेरस मेटल कौन सा है। अब बताना है दोस्तों आपको, नॉन फेरस मेटल कौन सा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, टिन है, या ये सभी है। तो दोस्तों, सभी में नॉन फेरस मेटल कहलाते हैं, तांबा, एल्यूमिनियम और टिन, ये सभी नॉन फेरस मेटल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम भी नहीं रहता है, आप सिर्फ वीडियो को देख लीजिए, आपको देखने से ही क्वेश्चन आपके दिमाग में तैयार होते जाएंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में रहे हैं, या रास्ते में हैं, आप कानों में बस अपना सुनते रहिए और बैठे बैठे देखते रहिए। आप टाइम निकाल के देखिए, काफ़ी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ के अलावा बार्क, बेल, सेल, मेट्रो, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, लोको पायलट, इन सभी में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धातु का वह कौन सा गुण है, जिसमें धातु को खींचने पर उसके तार बनाए जा सकते हैं, वह टूट नहीं पाती है। दोस्तों, एक गुण होता है जिसके द्वारा हम किसी भी धातु को खींच कर तार बना देते हैं, तो उस गुण को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। दोस्तों, डक्टिलिटी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसको एक और नाम है, इसको हम हिंदी में तन्यता बोलते हैं। तन्यता, काफी बड़ा नाम लिख गया, तन्यता इसको बोला जाता है। तो तन्यता का वह गुण होता है जिसके द्वारा किसी भी धातु को तार में खींचा जाता था। दोस्तों, इसका जो उदाहरण है वह आपको याद रखना है, उदाहरण भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले तो आपको सोना याद रख लेना है, सोना, चांदी, कॉपर। कॉपर की आप सभी जानते हैं दोस्तों, कॉपर की तारें बनाई जाती हैं, और इसके अलावा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, ये चार आप याद रख लीजिए, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कॉपर की तार बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की तार आती है, वह किस गुण के कारण होती है? वह इसी गुण के कारण होती है। तो यह धातु का वह रूप होता है जिसके द्वारा हम किसी भी धातु को खींचते हैं तो उसको एक लंबी तार के रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह कौन सा गुण है यदि बार बार उसे मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह उसे सहन कर लेती है लेकिन टूट नहीं पाती है। तो दोस्तों अगर किसी चीज को हम बार बार मोड़ते हैं, बार बार मोड़ेंगे, बार बार मोड़ेंगे, तो उसका एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वह चीज टूटने लगेगी। लेकिन वह धातु का कौन सा गुण होता है जिसके द्वारा वह नहीं टूटती है? तो वह उसका टफनेस होता है। किसी किसी धातु में टफनेस होती है तो उसे हम बार बार मोड़ते हैं लेकिन वह टूट नहीं पाती है। जैसे हम चादर बना टीन बनाते हैं, टीन दोस्तों आपने देखी होंगी, जो टीन होती है वह बार बार मोड़ी जाती है लेकिन वह टूट नहीं पाती है। तो यह भी उसकी एक टफनेस होती है, उसमें ज़्यादा टफनेस नहीं होती है, हालांकि उसका भी एक फिक्स पॉइंट होता है जिस पर वह टूट जाती है लेकिन उसमें थोड़ी बहुत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टफनेस को आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टफनेस वह गुण होता है जिसके द्वारा बार बार मोड़ तो सकते हैं लेकिन वह उसे टूटने नहीं देती, तो वह गुण क्या कहलाता है? टफनेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक मेलिएबिलिटी पाई जाती है? दोस्तों मेलिएबिलिटी जो सबसे अधिक फैलता है तो वह कौन है? आपको बस इतना याद रखना है मेलिएबिलिटी का गुण कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा फैलता है, ये आपको एक बेसिक याद रखना है। तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोना इतनी इतनी मेलिएबिलिटी पाई जाती है, 1 ग्राम जो सोना होता है सिर्फ 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं हम। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना मेलिबिलिटी होता है। दोस्तों जो सोना होता है वह मेलिबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको शुद्ध सोने को हम आभूषण में नहीं बदल सकते हैं। आभूषण में बदलने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण बनाना पड़ेगा ताकि वह स्टेबल रह सके। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे शुद्ध सोने से तो वह नहीं बन पाएगा, इसलिए हम उसमें मिश्रण मिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान रखना इन सभी में पाई जाती है लेकिन सोना में सबसे ज़्यादा मिलती है। आपको ध्यान रखना है सोने में सबसे ज़्यादा मिलती है। सेकंड नंबर पर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गुण है जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है वह टूटती नहीं है? दोस्तों वह कौन सा गुण होता है जिसमें हम खिंचाव शक्ति लगा जाती है लेकिन वह टूटती नहीं है, खिंचाव खींचते जाते हैं तो वह उसकी टेंसिटी होती है। टेनसिटी एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा हम किसी भी धातु को अगर खींचते हैं तो वह टूटती नहीं है और खिंचाव शक्ति उसमें लगी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेनसिटी टेनसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग किया जाता है? अब दोस्तों जो आप सभी जानते हैं जो मिश्र धातु होती हैं, जो एलॉय होते हैं, जो अयस्क होते हैं, दोस्तों अयस्कों में से धातुएं निकाली जाती हैं तो इनकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा निकाली जाती हैं, जो ओर होते हैं उनमें से निकाली जाती है। तो हम क्या निकालने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं, यह प्रक्रिया होती है। मैं थ्योरी की क्लास लगाऊंगा तो आपको बता दूंगा, पूरा डिटेल में एकदम समझा दूंगा। अभी हम मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। तो ब्लास्ट फर्नेस एक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हम पिग आयरन को निकालते हैं। पिग आयरन ये आयरन का ही एक प्रकार होता है जिसे हम पिग आयरन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के उत्पादन में कोपोला फर्नेस का इसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कोपोला फर्नेस होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो कास्ट आयरन में किया जाता है। यह भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोपोला फर्नेस का उपयोग किया जाता है। तो वह प्रक्रिया किस में इस्तेमाल की जाती है? कास्ट आयरन को निकालने में, कास्ट आयरन इससे अलग निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का याद करना आपको, कास्ट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी आसान है, कोपोला फर्नेस, कास्ट आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, तो काफी इजी है, आप एक दो बार में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जब हम किसी भी स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसकी हार्डनेस क्या हो जाती है? वह बढ़ जाती है। कोई किसी भी धातु की या स्टील की जो कि हार्डनेस बढ़ानी होती है तो उसमें हम कार्बन को ही मिला देते हैं। आपको पता होगा जिस स्टील में सबसे ज़्यादा कार्बन होती है वह उतनी ही ज़्यादा हार्ड होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप हीरा को ले सकते हैं, हीरा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो क्योंकि उसमें प्योर कार्बन होता है, शुद्ध कार्बन का रूप हीरा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18-8 स्टेनलेस स्टील का क्या अभिप्राय है। दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें हम घर में बर्तनों में भी प्रयोग कर रहे थे, तो उसमें 18-8 का क्या मतलब होगा। तो दोस्तों 18-8 का इसमें मतलब हो गया कि 18% तो उसमें क्रोमियम होता है और 8% उसमें निकल पाया जाता है, तो 18-8 का ये मतलब हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 18-8 का आपको ध्यान रखना है 18% क्रोमियम 8% निकल, क्रोमियम ज़्यादा होता है निकल कम होता है, आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उसी से ये मिलता जुलता है, तो किस कारण बनाए जाते हैं, प्लास्टिसिटी के कारण। जो हम धातु को पीट पीट के या फिर उनको चपटा बना के या फिर अलग अलग तरह के जो बर्तन बनाते हैं, तो वह किस गुण से बनाए जाते हैं, तो प्लास्टिसिटी से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धातु के किस गुण पर स्प्रिंग कार्य करता है। दोस्तों जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग आप जानते हैं बाइक होती है, उदाहरण के लिए आप बाइक ले लीजिए या फिर कोई स्प्रिंग ही ले लीजिए, स्प्रिंग इस तरह होती है, कुछ स्प्रिंग होती है, तो वह ऊपर नीचे होती है, तो वह किस वजह से होती है, तो वह उसका एक गुण होता है, अगर वह गुण उसमें नहीं होगा तो उस वजह से नहीं होगी, तो वह कौन सा गुण है, वह इलास्टिसिटी है। दोस्तों अगर इसमें मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ, अगर हम जो स्प्रिंग होती है वह ज़्यादा टफ ले लें, वह हार्ड ले लें, या फिर एक नॉर्मल धातु का ले लें जिसमें इलास्टिसिटी गुण ना हो, तो क्या होगा, वह टूट जाएगी, वह तुरंत ही टूट जाएगी। मान लीजिए बाइक के जो शॉकर बने होते हैं उनमें स्प्रिंग लगी होती हैं, अगर उनमें स्प्रिंग में इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वह एक ही बार में नीचे बैठ जाएगा और स्प्रिंग वहीं टूट जाएगा, तो इसलिए इसमें इलास्टिसिटी का प्रयोग करते हैं जिसमें वह ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो स्प्रिंग को आप सभी जानते हैं, स्प्रिंग को हम दबाएंगे तो वह दोबारा उसी स्टेट में आ जाती है, लेकिन वह टूटती नहीं है, तो उसमें कौन सा गुण होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इलास्टिसिटी जो कि रबड़ होती है, इलास्टिक रबड़ होती है, उसे हम खींचते हैं तो वह दोबारा पहली जैसी हो जाती है, तो इस गुण को भी इलास्टिसिटी गुण बोला जाता है। तो दोस्तों स्प्रिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इलास्टिसिटी का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। दोस्तों जो आयरन हम निकालते हैं, जो ओर होता है, अयस्क होता है, उनमें से हम आयरन निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा शुद्ध कौन सा आयरन होता है, तो वह रोट आयरन होता है, रोट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सिंपल याद करना है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है, रोट आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इनमें से जो कौन सा है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो कास्ट आयरन की मात्रा, कास्ट आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों हाई कार्बन स्टील का उपयोग हम टूल बनाने में प्रयोग करते हैं, जो हम टूल बनाते हैं, औजार बनाते हैं, तो उनमें हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है, कास्ट आयरन में, आपको ध्यान रखना है। और कास्ट आयरन को किससे अलग करना है, किस प्रक्रिया द्वारा कर किया जाता है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, तो उसको कोपोला फर्नेस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, कोपोला फर्नेस के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु में विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है। दोस्तों सुचालकता और कुचालकता आपको दो समझ लें, सुचालकता वह गुण होता है जिसमें से विद्युत को पार कराया जा सके, जिसमें से विद्युत गुजर सके, जिसमें अगर हम टच भी कर देंगे तो हमें करंट लग सकता है, लेकिन कुचालक विद्युत का प्रतिरोधी होता है, रोधक होता है, वह उसे रोक देता है, कुचालक से हमें करंट नहीं लगता। इसलिए जब हम ग्लव्स पहनते हैं बिजली का कार्य करते समय, एक इलेक्ट्रिक मैन अगर ग्लव्स पहनता है तो उसे करंट नहीं लगता, क्योंकि वह ग्लव्स उसका कुचालक है, लेकिन इन सब ये सभी आप देख सकते हैं सभी में करंट आ सकता है, सभी सुचालक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा हो जाएगा, तांबा। आप सभी जानते हैं तांबे की तारें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, सबसे ज़्यादा बिजली अच्छी तरह अपनी जो तारों के अंदर है वह इसके इलेक्ट्रॉन है वह अच्छे से मूव करते हैं, तो इसलिए ये सुचालक होता है, सबसे ज़्यादा सुचालक इसमें क्या होता है, तांबा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तांबे के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का। दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, वरना सबसे ज़्यादा
आपको ध्यान रखना चांदी का होता है। अगर चांदी ऑप्शन में दिया होता है तो फिर आपको टिक करना है, लेकिन हम चांदी की तारे नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम चांदी की तारे बनाएंगे तो वह काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। आप सभी जानते हैं चांदी का तारे बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है, काफी महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम तांबे का उपयोग करते हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है, चांदी में। अगर चांदी ऑप्शन में है तो चांदी को टिक करना है, अगर चांदी नहीं है तो हमको तांबा टिक करना है। अगर चांदी और तांबा दोनों नहीं है तो आपको एल्यूमिनियम पर टिक कर देना है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। अब दोस्तों कठोरता किस दो धातु कठोर होती है वह कौन सी होती है, वह हाई कार्बन स्टील होती है। दोस्तों हाई कार्बन स्टील के द्वारा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, औजार बनाए जाते हैं, टूल बनाए जाते हैं। अगर हम कोई हथौड़ा बनाते हैं, मान लीजिए ये एक हथौड़ा है, अगर हम इसमें हाई कार्बन स्टील का उपयोग नहीं करेंगे तो ये खुद ही टूट जाएगा, इसलिए हम इसको हार्ड बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, ताकि ये और चीज़ों पे प्रयोग किया जा सके। तो जितने भी और औजार बनाए जाते हैं सबको हाई कार्बन स्टील में बनाया जाता है। आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पूछा जाए कि किसी औजार को बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, आपको पूछा जाए जो हैमर है, जो रिंच है, ये किसका प्रयोग किया जाता है, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलौह धातु का उदाहरण क्या है। अलौह धातु कौन सी होती है जिन धातु में लौह नहीं होती है, तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, एल्यूमिनियम अलॉय, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर है। रॉट आयरन, इसमें भी आयरन होता है, स्टील होती है, धातु होती है, लोह धातु होती है, हाई कार्बन स्टील में भी होती है, माइल्ड स्टील में भी होती है, सभी में होती है, लेकिन एल्यूमिनियम अलॉय में नहीं होती है, एल्यूमिनियम अलॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। इसका कहने का मतलब ये दोस्तों, जो हमारा इनमें से ऐसा कौन सा है, कौन सा जो धातु है जिसमें हम वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं देख पाते हैं, वातावरण का कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वह कौन सा धातु है, वह एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को आप सभी जानते हैं, इससे चादर बनाई जाती है, जो जिनसे शेड बनाए जाते हैं, कंपनी के ऊपर जो शेड बने होते हैं वो भी एल्यूमिनियम से भी काफ़ी सारे शेड बने होते हैं, और काफ़ी जो तारे भी बनाई जाती हैं बिजली की, इलेक्ट्रिक तारे भी बनाई जाती हैं, तो ये किससे बनाई जाती हैं, एल्यूमिनियम से, लेकिन इस पर वातावरण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों की बॉडी बनाई जाती है किससे बनाई जाती है। दोस्तों जो मशीनें होती हैं उसकी बॉडी किससे बनाई जाती है, तो कास्ट आयरन से, सिंपल है, आपको याद करना है। निम्नलिखित में से किस धातु का पतला तार नहीं खींचा जा सकता। दोस्तों कौन सा जो इनमें से कौन सा है जिसमें से हम पतला तार नहीं बना सकते, तो किस में से नहीं बना सकते, कास्ट आयरन में से नहीं बना सकते। कास्ट आयरन से क्या बनाए जाते हैं, मशीनों की बॉडी बनाई जाती है, मोटी चीज़ें बनाई जाती हैं। पतली तारे एल्यूमिनियम की बना सकते हैं, पीतल की भी बना सकते हैं, हाई कार्बन स्टील की बना सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन की नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती। दोस्तों किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती, तो रॉट आयरन। रॉट आयरन की कास्टिंग क्यों नहीं की जाती, क्योंकि वह आयरन का शुद्ध रूप है, तो ये आपको ध्यान रखना, आयरन का यह शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। दोस्तों कौन सी धातु है जिसे हम फोर्ज नहीं कर सकते, कास्ट आयरन। काफी इजी क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है। अभी मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था कि टूल कैसे बनाए जाते हैं, तो वह हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग इसमें किया जाता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और सेम लैंग्वेज में पूछा जाता है। गैल्वेनाइजेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है, आपको सिंपल याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके उच्च गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं। दोस्तों जो उच्च गुणवत्ता है, जो सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सके अपने से, जो कि बिजली अच्छे से आगे बढ़ा सके, बिजली का उत्पादन में किस जो उच्च गुणवत्ता की कौन सी तारें इस्तेमाल में की जाती है, तो वह कॉपर की, सॉरी दोस्तों कॉपर नहीं, सिल्वर की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिल्वर की जो तारें होती हैं, वह सिल्वर की तारें होती हैं, वह ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रोवोक कराती हैं, जो बहाव करा देते हैं, लेकिन उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की बहाव की वजह से उसमें काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक प्रोड्यूस होता है,
स्वचालित प्रयोग होता है, लेकिन वह महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। और तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो अगर इसमें सिल्वर होता तो हम सिल्वर पे भी टिक लगा सकते थे। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग करके बिजली आदि बिजली कंडक्टर बनाने में किया जाता है, तो सिल्वर में। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वही क्वेश्चन है, दोनों अलग नहीं है, लगभग सेम है, लैंग्वेज में फर्क है। जो रिले होती है उसमें शुद्ध जो सिल्वर का प्रयोग किए करते हैं ताकि उसमें अच्छे से इलेक्ट्रॉन का बहाव हो सके, बिजली का बहाव हो सके। और तो नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लो आयस को साफ करने की विधि होती है, तो इनमें से कौन सी विधि होती है, भारात्मक विधि, पृथकीकरण जिसे हम अलग करते हैं, दबाव पृथकीकरण, हम जब अयस्क पर दबाव डालते हैं तो वह अलग अलग पृथक करने के लिए डालते हैं। तो नेक्स्ट है चुंबकीय पृथकीकरण, इसमें चुंबक के द्वारा जो लोह अयस्क को उनको अलग कर लेते हैं और साफ कर लेते हैं, जो कचरा है वह रह जाता है और जो लोहा लोहा लोहे वाली चीजें होती है वह चुंबक से चिपक के अलग हो जाती है। तो ये भी एक विधि होती है। तो तीनों विधि है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलॉयिंग तत्व कौन से हैं, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके मुख्य तत्व कौन से होते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन सा मिल जाता है, तो क्रोमियम और निकेल। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था, एक क्वेश्चन आया था 18-8 स्टेनलेस स्टील 18-8, तो इसमें 18 क्या होता है, क्रोमियम, 18% क्रोमियम, निकेल 8%। तो यह वही है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है, आपको बस समझना है स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम 18%, निकेल 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का एलॉय मंजू धातु होता है, दोस्तों कौन सी जो धातु है जिसका एलॉय मंजू धातु होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक धातुओं का एलॉय मंजू धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन धातुओं के मिश्रण से मोनल धातु बनता है, दोस्तों जो मोनल धातु है वह किससे बनता है, तो वह निकेल और कॉपर से बनता है। जो मोनल धातु होता है वह निकेल और कॉपर से बनता है, आपको ध्यान रखना है, सिंपल आपको बस इतना ही याद करना है, इसमें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण आयरन ओर में कितना परसेंट लोह कण पाए जाते हैं, दोस्तों जो ओर होते हैं, जो अयस्क होते हैं जिसमें लोहे के कण होते हैं, वह कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो ये आपसे पूछा गया है, तो उसमें 40-65% उसमें लोह कण मिलते हैं, जिसको हम चुंबकीय विधि या फिर दबावात्मक विधि इनके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। तो 40-65% आपको याद रखना है। व्हाइट मेटल का अलॉय कौन सा है, तो ये आपको बताना है, तो इनमें ध्यान रखना है, कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी। कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी ये व्हाइट मेटल अलॉय है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व कौन सा होता है, दोस्तों जो हाई स्पीड स्टील होता है उसका मिश्रण बताना है, मिश्रण में जो सबसे ज्यादा मुख्य तत्व कौन सा मिलता है, तो टंगस्टन मिलता है, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने में किया जाता है, दोस्तों जो कास्ट आयरन का जो उपयोग मैंने बताया था मशीनों के बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो बेड बनाने के लिए किस कारण से किया जाता है, किस कारण से, क्योंकि इसका भार अधिक होता है, या यह एक सस्ती है, या कंप्रेसिव लोड सहन कर सकती है, या एक भंगुर होती है, तो इनमें से बताना आपको क्या होती है, यह लोड सहन कर सकती है, क्योंकि जब हम मशीनों पर कार्य करते हैं, मशीन को चलाते हैं, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उसको लोड को सहन करने के लिए, कंप्रेसिव जो लोड पड़ता है उसको सहन करने के लिए हम कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, कास्ट आयरन काफ़ी लोड को सहन करती है, तो इसका प्रयोग हम मशीनों को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिन के संबंध में सही कथन कौन सा है, टिन के बारे में बताना आपको क्या संबंध सही है, टिन उच्च ताप सहन करने की वाली धातु है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, टिन कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है, नहीं, टिन शोल्डर की अलॉय धातु है, बिल्कुल सही। दोस्तों आपने देखा होगा जब हम जो आप मोबाइल पॉइंट होता है, जो मोबाइल रिपेयर का काम होता है, या फिर लैपटॉप रिपेयर वगैरह, या फिर टीवी रिपेयर करते हैं एलईडी, तो उसमें हम जो सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें टिन का उपयोग किया जाता है, तो टिन सोल्डर की अलॉय धातु है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एचएसएस से बने टूल। दोस्तों एचएसएस का मतलब क्या है? हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें 0.75% से 1%, तो 0.75% से 1% की उसमें मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HS, दोस्तों हाई, मैं बार बार हाई स्पीड स्टील नहीं बोलूंगा, मैं HSS बोलूंगा। HSS में निम्नलिखित में से किस अनुपात में मुख्य अलॉय तत्व होते हैं? तो जो हाई स्पीड स्टील होता है उसमें मुख्य के मतलब बताना है, परसेंटेज में बताना है आपको मुख्य अलॉय तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन इसमें मेन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, 18% टंगस्टन मिलता है। क्रोमियम इसमें 4% मिलता है और वेनेडियम इसमें 1% मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? तो कार्बन स्टील में, रॉट आयरन में, कास्ट आयरन में या पिग आयरन में सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है? तो रॉट आयरन में, क्योंकि तो रॉट आयरन एक आयरन का सबसे शुद्ध रूप है, इसलिए इसमें सबसे कम कार्बन होता है, क्योंकि तो इसमें आयरन का शुद्ध रूप होता है सबसे, इसी कारण से यह शुद्ध रूप माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉट आयरन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूपोला फर्नेस भट्टी का तापमान कितना होता है? क्यूपोला फर्नेस जो भट्टी होती है उसमें से हम कौन सा आयस्क कौन सा निकालते हैं? तो उसमें हम कौन सा निकालते हैं? कास्ट आयरन निकालते हैं, कास्ट आयरन का उत्पादन करते हैं उससे, कास्ट आयरन को अलग करते हैं। तो बस उनका उसका जो तापमान है वह कितना रखते हैं? तो वह 1260 डिग्री सेल्सियस से 1340 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। जो क्यूपोला फर्नेस भट्टी होती है उसमें हम जो कास्ट आयरन को हम निकालते हैं अलग करते हैं, तो 1260 से 1340 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों सेल्सियस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो किस में होती है? तो 3 से 5% होती है। पिग आयरन में कितनी होती है? 3 से 5% की रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण कौन सा है? एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा मुख्य रासायनिक गुण कौन सा है? वह सॉफ्ट होती है, एल्यूमिनियम सॉफ्ट होती है, वह टफ भी नहीं होती, टफ होगी तो उसकी तारें नहीं बना पाएंगे, ब्रिटल भी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती, तो वह सॉफ्ट होती है, इसलिए हम उसकी तारें बना पाते हैं और चद्दर भी बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम का यह रासायनिक गुण होता है। धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटता है? तो अभी थोड़ी देर पहले अभी ये क्वेश्चन किया था हमने, वह कौन सा गुण होता है जिसको बार बार मोड़ा जाता है लेकिन टूटता नहीं है? वह टफनेस होता है। टफनेस के कारण उसको बार बार मोड़ तो सकते हैं लेकिन तो वह टूटती नहीं है, वह उसकी सहन शक्ति इतनी होती है कि वह बार बार मुड़ जाएगी लेकिन वह टूटेगी नहीं, उसके गुण को क्या बोलते हैं? टफनेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुरचन को रोकने वाला गुण क्या कहलाता है? दोस्तों जो खुरचन होता है उसको रोकने के लिए कौन सा गुण होता है? वह हार्डनेस होता है। ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है खुरचन को रोकने वाला गुण कौन सा होता है? हार्डनेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ड्यूरेलिन में इंडोलियम एलोइंज में 95% क्या होता है? दोस्तों जो ड्यूरेलिन और इंडोलियम एलोय होते हैं इनमें क्या होता है? एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है, आपको ध्यान रखना है 95% इसमें एल्यूमिनियम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या परिणाम मिलता है? अगर हम दोस्तों स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या परिणाम मिलता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें हार्डनेस बन जाती है, हार्डनेस की में उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में? दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन कराया है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन यही था, पिग आयरन के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। DRDO के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्जाम अभी नज़दीक ही है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएँ, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं अभी एक एक करके डेली टॉपिक वाइज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। तो वीडियो अगर पसंद आई तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।